नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं eBIZ के बारे में, जो कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। eBIZ के MD पवन मल्हन और उनके बेटे हितिक मल्हन को हैदराबाद पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 5000 करोड़ के फ्रॉड में अरेस्ट कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उन दोनों के और eBIZ के जो बैंक अकाउंट्स है उसमें जो 389 करोड़ रुपए थे उसे भी फ्रीज कर दिया है। eBIZ और eBIZ के MD के खिलाफ बहुत सारी चीटिंग कंप्लेंट्स थी, जिसके बाद बेसिक इंक्वायरी के बाद हैदराबाद पुलिस ने ही एक्शन लिया। साथ ही पुलिस ने eBIZ का जो ऑफिस है उसे भी सील कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को कहा है कि आप किसी भी तरह के मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में बिल्कुल भी मत फंसिए। पुलिस ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप MLM के जरिए प्रमोट की जाने वाली मनी सर्कुलेशन स्कीम से दूर रहिए, क्योंकि मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स एक्ट 1978 के तहत इंडिया में बैन है। eBIZ को 2001 में मिस्टर पवन मल्हन ने शुरू किया था। मिस्टर पवन मल्हन के पास eBIZ का 99% स्टेक है और बाकी 1% स्टेक उनकी वाइफ और उनकी बेटी के नाम पर है। पुलिस के अनुसार eBIZ बेरोजगार लोगों को टारगेट कर दी थी और पिरामिड स्कीम्स के तहत अपने कुछ प्रोडक्ट्स बेचती थी, जैसे कि कंप्यूटर कोर्सेस, कपड़े एटसेट्रा। eBIZ के जो विक्टिम्स है, यानी जो लोग फंसे हैं, वो मेनली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली से है। रिसेंटली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए चल रही मनी सर्कुलेशन स्कीम्स पर एक्शन ले रही है। ईडी ने रिसेंटली हीरा ग्रुप, जो कि हैदराबाद बेस्ड इसी तरह का एक फ्रॉड था, उस पर भी एक्शन ली है और हीरा ग्रुप के ओनर को अरेस्ट कर लिया है। हीरा ग्रुप की केस स्टडी पर हम इस वीकेंड पर बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल FinnovationZ.com को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।